दुर्गा पूजा की तैयारियों के साथ ही रामलीला के मंचन को लेकर भी जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है। अयोध्या की रामलीला में इस बार 3 बीजेपी सांसदों को अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। वे सांसद कौन हैं और वे कौन सी भूमिका निभाने जा रहे हैं, ये हम आपको आगे बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या में सरयू के समीप स्थित लक्ष्मण किला प्रांगण में सबसे बड़ी रामलीला के आयोजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है कि रामलीला का आयोजन इस साल ज्यादा भव्य और अलौकिक होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में जोर शोर से चल रहा है और भक्तों में इसे लेकर बहुत उत्साह है। भव्य रामलीला के आयोजन के पीछे की दूसरी बड़ी वजह यह है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से लोग डिजिटल माध्यम से ही रामलीला का आनंद उठा पा रहे थे, लेकिन इस बार दर्शकों को लाइव यह रामलीला देखने का मौका मिलेगा। अयोध्या रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक के मुताबिक रामलीला का मंचन 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसका शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और दूरदर्शन के माध्यम से सीधा प्रसारण भी होगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रामनगरी अयोध्या में होने वाली रामलीला में बीजेपी के भोजपुरी सुपरस्टार सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और नव निर्वाचित आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव, जिन्हें लोग निरहुआ के नाम से भी जानते हैं, वे अहम किरदार निभाने जा रहे हैं। वैसे तो इस रामलीला में अभिनय जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल हो रही हैं, लेकिन ये तीनों भोजपुरी सुपरस्टार इस रामलीला का मुख्य आकर्षण होंगे। निरहुआ रामलीला में जहां लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे, वहीं गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन केवट बनेंगे, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी परशुराम का किरदार निभाएंगे। दिल्ली के रामलीला मंच के दिग्गज तिवारी और किशन ने 2020 में भी अयोध्या की रामलीला में अंगद और भरत का किरदार निभाया था। इन तीनों सुपरस्टार के अलावा मशहूर फिल्म मैंने प्यार किया की अभिनेत्री भाग्यश्री शबरी की भूमिका में होंगी, तो फिल्म स्टार बिंदु दारा सिंह हनुमान का किरदार निभाएंगे। वहीं फिल्म अभिनेता गजेंद्र चौहान राजा जनक बनेंगे, तो महाभारत में शकुनी का रोल निभाने वाले गुफी पेंटल नारद मुनि की भूमिका में नजर आएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।